जो संपत्ति उन्होंने कमाई क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो लोग बैठे हैं क्या वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं? और इसीलिए भेजा गया है कि वो भेदभाव करें। यूपी में ओबीसी के मुद्दे पर सभी पार्टियों में मार मच गई है, जहां सरकार कह रही है कि वह पिछड़ा आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराएगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव सरकार के धागे खोलने में लगे हुए हैं। गुरुवार को अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर ओबीसी की उपेक्षा की बात करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने वीसी विनय पाठक को इशारों में लपेटते हुए कहा कि सरकार वीसी पर इतनी मेहरबान क्यों है, कार्रवाई क्यों नहीं करती और बुलडोजर क्यों नहीं चलाती? आप बताइए, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो एक वाइस चांसलर के खिलाफ कितनी जांचें हो रही हैं, क्या हुआ, कहां चल रहा है बुलडोजर? क्या बुलडोजर चलेगा उनकी संपत्ति पर? जो संपत्ति उन्होंने कमाई क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? और जो अपॉइंटमेंट्स किए गए, आप देखिए उसमें पिछड़े और दलितों का क्या अपॉइंटमेंट है उसमें, अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो। टेक्नो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो लोग बैठे हैं क्या वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं? और इसीलिए भेजा गया है कि वो भेदभाव करें, चाहे वो झांसी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कानपुर की हो, चाहे इलाहाबाद की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे फैजाबाद की हो, चाहे बांदा की हो, चाहे आपकी बलिया की हो, चाहे सैफई की मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, क्या भेदभाव नहीं हो रहा? और चाहे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हो उसमें भेदभाव नहीं है क्या? जब पिछड़ों का वोट चाहिए तो पिछड़ों के लिए न जाने क्या क्या सपने दिखाएंगे। आज जब वोट दे दिया पिछड़ों ने तो पिछड़ों को कोई हक और सम्मान नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने सरकार पर भर्तियों में भी ओबीसी और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जातिगत जनगणना की मांग कर डाली। और जो हम लोगों ने देखा है इधर पिछले कई वर्षों से, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, पिछड़े और दलितों के हक मारा गया हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओर से खंड शिक्षा अधिकारी जिसमें कई पदों पर पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ हो, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय जिसमें पिछड़े और दलितों की नियुक्ति में न जाने कितने बड़े पैमाने पर अनदेखी और घोटाला हुआ है, और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसकी लगातार जांच चल रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, उसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाला है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। नियुक्तियों की हो, अपॉइंटमेंट्स की हो, और सरकार ने जहां भी अपॉइंटमेंट किया है वहां पिछड़े और दलित को कोई हक और सम्मान नहीं दिया है। निजीकरण लगातार चल रहा है, और जब निजीकरण होगा तो आखिरकार होगा क्या अंतर्गत, किसका हक मारा जाएगा? इसलिए हमारी आपके माध्यम से सरकार से है कि सरकार तुरंत सदन बुलाए, कम से कम अपना पक्ष रखे और हमें अभी अपना पक्ष रखने का मौका दें। और जहां जनगणना का सवाल है, समाजवादी पार्टी की हमेशा मांग रही है कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना कराई जाए। बिना जाति जनगणना कराए किसी को हक और सम्मान नहीं मिल पाएगा। फिलहाल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जहां लगातार पार्टियां क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हुई हैं, तो वहीं निकाय चुनाव पर भी संशय अटका हुआ है। लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने तो निकाय चुनाव में फिलहाल 2 से 3 महीने की देरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।